सो हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिल्मी अपडेट्स में। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले संडे बताया था कि अब से आप लोगों को संडे के दिन एक सुपर अपडेट वाला वीडियो मिलेगा, तो मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए लेके आ गया हूँ संडे सुपर अपडेट वाला वीडियो। तो बेसिकली आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को ढेर सारी मूवीज और सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ। आप लोगों में से कई सारे ऐसे लोग हैं कमेंट में पूछ रहे थे कि इन इन सीरीज के बारे में बताओ, ये सीरीज कब आएगा, तो एक एक करके मैं सभी सवालों का जवाब देने वाला हूँ। तो आज के इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिल्म अपडेट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वैसे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप लोग किसी भी मूवी या फिर वेब सीरीज को फ्री में देखना चाहते हो या फिर उसकी लेटेस्ट अपडेट को तुरंत जानना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर सबसे पहले बात करने वाले हैं पुष्पा द रूल यानी कि पुष्पा पार्ट टू के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, अल्लू अर्जुन सर के बर्थडे के एक दिन पहले पुष्पा पार्ट टू का एक टीजर को रिलीज किया गया। लोग काफी ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं टीजर को और वहीं दूसरी तरफ हेट्स भी काफी मिल रहा है उस टीजर को। तो एक ऐसा सीन है टीजर के अंदर जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पुष्पा जो है यानी कि अल्लू अर्जुन सर टाइगर के सामने आते हैं और वहां पे एक डायलॉग बोला जा रहा है, जब शेर डर के मारे दो कदम पीछे हट जाता है तो समझ लेना पुष्पा आ गया है। तो उस सीन को लेकर काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है मेकर्स को। बताया जा रहा है कि अगर ये सीन को शाहरुख खान या फिर बॉलीवुड के सलमान खान या फिर अक्षय कुमार कोई भी एक्टर करते तो हम लोग उसको काफी ट्रोल करते, पर जब ये एक साउथ एक्टर कर रहा है तो आप लोग इसके सपोर्ट कर रहे हो। तो इस तरह लेकर काफी कॉन्ट्रोवर्सी चल रहा है, कमेंट्स भी काफी हेट्स वाला आ रहा है पुष्पा पार्ट टू को लेकर। और दूसरी तरफ पुष्पा पार्ट टू का जो एक पोस्टर रिलीज किया गया था उसको भी लेकर लोग काफी ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि पोस्टर को अगर आप लोग ठीक से देखोगे तो आप लोग को उस पोस्टर में थोड़ा हिंदू देवी देवताओं का लुक आ रहा है और वहीं दूसरे ओर हाथ में गन को लेकर खड़े हैं अल्लू अर्जुन। तो इसको लेकर भी लोग काफी निराश है मेकर से। बाकी टीजर तो काफी बढ़िया था, आई होप आप लोग को भी टीजर बढ़िया लगा होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे सीरीज की ओर। तो एक भाई ने हमें कमेंट में पूछा है कि द फैमिली मैन के सीजन 3 के बारे में बताओ। तो फैमिली मैन के सीजन 3 का अपडेट ये है कि राज एंड डीके सर अभी रिसेंट एक सीरीज को लेकर आए फर्जी, जिन्होंने अमेजोन प्राइम वीडियो के अंदर एक नेक्स्ट लेवल का बवाल मचाया था। अब तक का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला सीरीज जो है वो फर्जी बन गया है। तो राज एंड डीके सर अभी जो फर्जी में कमाई हो रहा है उसके पैसे को गिनने में लगे हुए हैं। तो अभी थोड़ा टाइम लग सकता है फैमिली मैन के सीजन 3 को आने में। बाकी इसके स्क्रिप्टिंग के वर्क को करा जा रहा है, जैसे स्क्रिप्टिंग का वर्क कंप्लीट होगा देन उसके बाद शूटिंग भी ऑब्वियसली स्टार्ट हो जाएगा। तो टेंशन मत लो, अगले साल तक हम सभी को द फैमिली मैन का सीजन 3 देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। एक भाई ने पूछा है कैंपस डायरी के सीजन 2 के अपडेट के बारे में। तो फिलहाल कैंपस डायरी के सीजन 2 के लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो मेकर्स ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि अभी इसके स्क्रिप्टिंग पे काम चल रहा है, 1 से 2 महीने के अंदर इसके शूटिंग को भी स्टार्ट कर देंगे और जैसे ही शूटिंग स्टार्ट होगा एक अनाउंसमेंट वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो फिलहाल अभी तक अनाउंसमेंट वीडियो शूटिंग का नहीं आया है, तो मान के चल सकते हैं कि अभी तक इसके शूटिंग के वर्क को स्टार्ट नहीं किया गया है। पर खबर ये निकल के आ रहा है कि इसके जो स्क्रिप्टिंग का वर्क है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और एक क्वेश्चन हर बार मेरे से पूछते हैं, हर बार मतलब कि मैं इसका जवाब देते देते थक चुका हूँ, मिर्जापुर के सीजन 3 का अपडेट। भाई आप लोग प्लीज पिछला वीडियो देख लेना ये क्वेश्चन पूछने से पहले, क्योंकि मैंने काफी सारे वीडियो बना के रखा हुआ है मिर्जापुर के सीजन 3 को लेकर। अगर मैं इस बार भी बनाऊंगा तो काफी सारे लोग जो है कमेंट में बोलने लगते हैं कि एक ही सीरीज का अपडेट आप हर वीडियो में देते हो, लेकिन करे क्या भाई, इतना ज्यादा क्वेश्चन आता है सीरीज को लेकर बताना पड़ता है। तो फिलहाल अभी मिर्जापुर के सीजन 3 के लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो सीरीज पूरी तरह से रेडी हो चुका है रिलीज होने के लिए। 1 से 2 महीने के अंदर हम सभी को टीजर या फिर रिलीज डेट का अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो उसका इंतजार है। बाकी अभी फिलहाल उस तरह का कोई तगड़ा वाला अपडेट निकल के नहीं आया है। तो गाइज यही था आज का सुपर अपडेट्स वाला वीडियो। कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करते नहीं हो तो बस आज के इस वीडियो में एम करता हूँ 100 लाइक्स के। अगर आप लोग 100 लाइक जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दोगे तो आप सभी लोगों को इससे भी अच्छा अच्छा मूवीज और सीरीज के बारे में आप सभी को बताऊंगा। तो बस आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।